गाइस अभी हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद वो पीछे कहीं पे बाइक वाइक पे आपको रोक देते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर कह रहे थे ना, तो किलोमीटर अभी आपको ऊपर जाना है, वो वहाँ पे कहीं श्राइन मंदिर होगा, तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे पीछे ये वैली का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। बाकी ऊपर जाके भी दोबारा से देखते हैं, तो चलते हैं अब ऊपर। यहाँ से सीधी चढ़ाई है ऊपर की। तो अभी गाइज हम हैं मेन श्राइन के ऊपर जो कि जैन टेम्पल है, और यहाँ पे हम बस सबसे टॉप पे, ये बच्चा खेल रहा है और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये 4,500 फीट की ऊंचाई पर है। झारखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचा हिल टॉप माना जाता है, झारखंड में बहुत ही भव्य है और होली टेम्पल है, यू कैन कम हेयर। और यहाँ पे परश्वनाथ 23rd तीर्थंकर ये स्थल है जहाँ पे लोग पहुँचते हैं। सो गाइस बस अब वापस जा रहे हैं हम लोग, हो गया हमारा, देख लिया तीर्थंकर जैन टेम्पल। गाइस आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। सो पारसनाथ की पहाड़ियाँ, सबसे ऊँची पहाड़ियाँ जो है झारखंड की, वो मैं देखा है। और इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आया हो और आप भी यहाँ पर आएँ अगर आप झारखंड आते हैं तो। काफ़ी जैन लोग यहाँ पर आते हैं, जैन धर्म के लोग, इंदौर से और गुजरात के अलग अलग पार्ट से, चेन्नई से। तो काफ़ी होली टेम्पल है, अगर आप साइट विज़िट करनी है तो आप यहाँ पर ज़रूर आना। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।